हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी, मोशन ऑफ द अर्थ। आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 19 पे ये मिलेगा। अब तक हम कर चुके थे कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। अब हम रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। पेज नंबर 19 एनसीईआरटी की बुक, ओके। रेवोल्यूशन, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो सन अर्थ का सेकेंड मोशन है, ठीक है, जो दूसरा मूवमेंट है अर्थ का, मोशन मतलब गति, ठीक है, वो क्या है? जो सन के चारों तरफ वो घूम रही है, देखो ये बीच में आपको सन दिख रहा है ना, ठीक है, इसके चारों तरफ, एक मिनट में ग्रीन पेन से करती हूँ, ये देखिए ये अर्थ है, तो ये यहाँ से चली है ऐसे ऐसे, इसका मोशन देखो चल रहा है ना। तो ये जो अर्थ का मोशन होता है सेकंड, जो कि सन के अराउंड घूम रही है, किसके, सन के चारों तरफ जो अर्थ घूम रही है, इसी को रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं कि इट टेक्स, कितना टाइम लेती है ये रेवोल्यूशन में, यानी सन के अराउंड अर्थ जो अपना एक राउंड लगाती है पूरा, उसमें कितना टाइम लेती है। इट टेक्स 1/4 days, 1 ईयर, एक साल, यानी कि एक साल हम मान लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर में कितना डेज होते हैं, 165, और 1/4 जो कहा है इन्होंने, 1/4 किसका, 1/4 किसी एक दिन का, एक दिन मतलब 24 आवर्स, ठीक है। 24 / 4 करते हो आप तो 6 आवर्स आते हैं, ठीक है, कितने आवर्स आते हैं, 6 आवर्स, ओके। तो इसका मतलब ये कि अर्थ जो है वो अपना एक राउंड कितने टाइम में लेती है, 365 days और 6 आवर्स में, ठीक है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। अर्थ अपना 1 राउंड पूरा कवर करती है, मतलब अर्थ जो है वो यहाँ से घूम रही है ना, इस तरह से रोटेट हो रही है, और यहाँ तक वापस जब आएगी तब तक 365 days और 6 आवर हो जाएंगे, यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं 65 डेज से, ठीक है। अब होता क्या है, वो कह रहे हैं कि वी कंसीडर्ड ए ईयर, हम एक साल में एज कंसिस्ट ऑफ 365 डेज ओनली, हम एक साल में सिर्फ 365 दिन यानी 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं। जो हमारे 6 आवर्स एक्स्ट्रा आए थे, जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा आए थे, उनको हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बट यहाँ साइड में हमने चलो लिख लिया 1 ईयर का 6, ठीक है, 2 ईयर का 6, 3 ईयर का 6 और 4th ईयर का 6। जब 4th ईयर का 6 आवर आते हैं तो 6 6 6 6 करके 24 आवर्स बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 6 6 करके, मान लो ये 6, फिर 2nd ईयर का 6, फिर 3rd ईयर का भी 6 आवर मिला लिए और 4th ईयर के भी, तो कितने बन गए, 24 आवर्स। उससे क्या बन जाएगा, पूरा 1 डे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पूरा 1 डे, ठीक है। इसीलिए जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं।